बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है शुएब भट्ट, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बिलाल व्लॉग। तो आज का व्लॉग हम बनाएंगे एक विषय के ऊपर भी, एसी के अंदर जो लीकेज पैदा हो जाती है वो किस तरह बहुत आसान तरीके से ढूंढी जाती है और जल्दी ढूंढने का क्या तरीका है, इंशाल्लाह ताला आपके साथ आपको शेयर करेंगे हम। तो जैसे कि आप जानते हैं वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अगर आप चैनल के साथ नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए। चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ जी। आज हम जो एसी की लीकेज ढूंढने जा रहे हैं, हाई का डीसी इन्वर्टर एसी है जी। ये देखें इसका लोगो, इसका मोनोग्राम। तो इस लीकी को किस तरह ढूंढा जाता है वो इंशाल्लाह ताला आपके साथ हम शेयर करेंगे। सबसे पहले इस बॉडी को हम ओपन करेंगे, ओपन करके फिर जो इसका नीचे वेपरेटर होगा ये वाला हिस्सा, तो इसको हम चेक करेंगे भी ये किस जगह से लीकेज है। तो लीकेज की तरफ जाने से पहले सबसे पहले इस कवर को ओपन किया जाता है, तो फिर लीकेज ढूंढी जाती है। हम पहले से कवर को ओपन करेंगे तो फिर लीकेज की तरफ हम जाएंगे। ये अल्हम्दुलिल्लाह एसी पूरा ओपन हो गया जी, ये देखें जी। तो पूरा ओपन हो गया, तो लीकेज सबसे जल्दी ढूंढने का क्या तरीका होता है भी, जिस जगह से लीकेज हो ना तो उस जगह से ऑयल बाहर आता है गैस के साथ साथ। तो ये देखें इस जगह पे ऑयल आया हुआ काफ़ी, ये देखें, ये देखें, ये ऑयल है। तो इसका ये मतलब कि लीकेज यहाँ पर ही है कहीं, लेकिन अभी कन्फर्म नहीं है किस ऊपर है, ये वाला है, ये वाला, ये वाला है, किधर से लीकेज है। तो इसको चेक करने के लिए इसके अंदर हम पहले हवा का प्रेशर भरेंगे, प्रेशर भर के तो फिर हम इसे पानी के अंदर डिप करेंगे, डिप करके तो फिर पता चलेगा भी ये लीकेज असल किस जगह से है, क्योंकि ये काफ़ी जगह पर ऑयल आया हुआ है, इधर से लेके यहाँ तक सब ऑयल है। ये देखें आपको महसूस होगा, ये देखें। तो सबसे बेहतरीन तरीका यही होता है, अभी पहले देख लें ऑयल किस तरफ है, जब पता चल जाए आयल उस तरफ है तो फिर वहाँ से ही लीकेज ढूंढना शुरू करेंगे। तो हम इंशाल्लाह लीकेज की तरफ जाएंगे। पूरा ओपन हो चुका है जी, ये देखिए इस जगह पे काफ़ी आयल आया हुआ है, ये देखें ये सारे यू पे आयल है, लेकिन इसमें से कौन सा लीकेज अभी ये कंफर्म नहीं। कंफर्म कैसे होगा, इसे हम प्रेशर देंगे हवा का, इसको पानी के अंदर डिप करेंगे तो फिर इंशाल्लाह ताला फौरन पता चल जाएगा कि इस जगह से ये लीकेज है। तो अभी हम इंशाल्लाह ताला इसको रिपेयर करेंगे, पहले प्रेशर दे के लीकेज ढूंढेंगे। ये सबसे आसान और बेहतरीन तरीका है, एक घंटे के अंदर अंदर आप एसी को रिपेयर करके दोबारा लगा सकते हैं, तो जो मैंने आपको तरीका बताया। तो आप इसी तरीके से चलेंगे तो इंशाल्लाह ताला ये बहुत जल्दी आप एसी को रिपेयर करके लगा सकेंगे। तो अभी हम प्रेशर की तरफ जाते हैं, प्रेशर देंगे फिर इसकी लीकेज ढूंढ के फिर इसको फाइनल करते हैं।
प्रेशर मैंने इसे दे दिया है, तो प्रेशर देने से ये फ़ायदा होगा भी अभी हम आसानी से लीक ढूंढ लेंगे। तो अभी हम पानी वाली बाल्टी लेकर आएंगे, उसके अंदर इसको डिप करेंगे तो इसकी लीकेज फ़ौरन इंशाल्लाह कंफर्म हो जाएगी और हम इसे रिपेयर करने वाले बनेंगे। तो इंशाल्लाह ताला मैं बाल्टी की पानी लेकर आता हूँ, तो फिर इसके अंदर इसको डिप करते हैं। जी ये देखिए जी लीकेज ढूंढ ली मैंने, ये देखिए यहाँ से बबल बन रहा है, ये देखें ये बबल बन रहा है, यहाँ से लीकेज है। तो ये बहुत ही आसान और बेहतरीन तरीका लीक ढूंढने का। अभी हम इंशाल्लाह ताला इसको जो प्रेशर दिया है इसको खाली करेंगे, फिर हम इसे टांका वगैरह दोबारा लगा के तो फिर हम इसे डिप करके फिर चेक करेंगे ये हमारा टांका जो हमने लगाया सही लग गया, तो फिर हम इसको बंद करके तो फिर इसकी फिटिंग की तरफ जाएंगे। तो ये एक घंटे के अंदर अंदर आप एसी की लीक ढूंढ के इसको रिपेयर करके लगा भी सकते हैं। तो ये सबसे आसान और बेहतरीन तरीका। तो लीकेज तो अल्हम्दुलिल्लाह मिल चुकी है, ये वाला यू लीकेज है। तो इससे पहले हम इस सब को हीट देंगे, अगर किसी जगह और भी लीकेज हो तो वो सामने आ जाए। तो इसी तरह सब को हम इसी तरह हीट देंगे, अगर किसी और जगह लीकेज है तो वो सामने आ जाए। हीट ज़्यादा नहीं देनी, नॉर्मल रख के देनी। अगर ज़्यादा आप हीट देंगे तो इससे ये होगा कि आपका एसी का जो यू है वो ख़राब हो जाएगा, क्योंकि इस पाइप में इतनी ताकत नहीं होती। तो अगर आप ज़्यादा हीट देंगे तो ये ख़राब ही हो जाएगा। तो नॉर्मल रख के इसे हीट देनी है, और उसके अलावा इसको जो सा ना टांका भी जो सा लगाना है आपने बिल्कुल लाइट रख के लगाना है।